काम करें। और ए बाल भाई, शायद तुम्हारे और बिहारी जी के दिल में पाप होगा या वहम होगा कि मैं बीच में अर्चन डालूंगा। ना, मैं बिल्कुल गादी पर बैठना ही चाहता नहीं, और तुम्हें मेरे प्रति कुछ हो तो मैं सबसे पहले बिहारी जी को गादी पर बिठाऊंगा। यमपुरी के स्पीच लग गए, और सुबह उठ के नहलाऊं धुलाऊंगा मैं, चंदन मैं लगाया करूंगा, और जो सुंदर साथ नहीं आते उनको भी चिट्ठियां लिख के फटकार के मैं ही बुलाऊंगा, और श्रृंगार भी सारे मैं तैयार करूंगा, भंडारे उत्सव की सब तैयारी भी मैं करूंगा। और बोलो क्या चाहते हो? आए के बिहारी जी को। बस यही बाल भाई चाहती थी। भागी आई, भागी आई, भागी आई बिहारी महाराज, बधाई हो, बनाई मैं आपको धामधनी, ठप्पा लगा दिया, अब आप ही हकदार हैं। बैठा है ऊपर मसनंद। बस वो दिन तय था उत्सव का, उत्सव किया, अच्छे वस्त्र पहनाए, टोपी लाल फैला दी और बिहारी जी को बिठा दिया, कदमों लाग के बैठे। बस सबने चरणों में प्रणाम किया, बोलो धामधनी की। जो गद्दी पर बैठ गया वही अक्षराती धाम का धनी हो गया। फिर घर में भया आनंद। बस अब घर में आनंद होने लगा। श्री मामत के संयम, स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, ए भी तक पुरी नौतन, ए नौतनपुरी की भी तक है। अब आगे की कहो, अब आगे की सुनिए, मजेदार बात तो वही है। याद करो मोमिन, याद कर रखना जरा इनको, अब नहीं कि जो भी गद्दी पे बैठ जाए वही अक्षातीत हो जाएगा। संवत 1712 तरे, संवत 1712 में, आसो महीने में, आसो के महीने में, सब साथ को खबर है, सब सुंदर साथ को मेरा ठाकर ने चिट्ठियां लिख दी कि भाई इस तरह से बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बिठाने का बहुत बड़ा मेला भंडारा हो रहा है, सब जा जाना, सबसे चर्चा करके, और सबको चर्चा करके जबरदस्ती वो सुनाते हैं, चित को दिया मरोर। अब 3 महीने से जो ठंडे भी होके सुंदर साथ बैठ गए थे, उल्टा उनके चर्चा सुना सुना के, डांट डांट के, फटकार फटकार के जो है उनके ऊपर भाव लाए, तुम सब आए सजदा करो, और तुम सब आकर के जो है किनके, बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, इनके चरणों में प्रणाम करो, कर खंडनी कया जोर, जो नहीं भी आते तो उल्टा खंडनी कर करके वो उनके चरणों में लाते हैं, जहाँ तहाँ साथ में, और जहाँ तहाँ सुंदर साथ में बात बड़ी जाहिर है, बात जाहिर होगी, सब आए, बड़े धूमधाम से मेला भंडारा हो गया। अब क्या होता है, तो सुंदर साथ आते थे चर्चा सुनने के लिए, सतगुरु श्री धनी देवचंद जी तो 24 घंटे सुंदर साथ को प्यार चर्चा सब कुछ सुनाते रहते थे। अब ओ चर्चा बिहारी जी करें बाहर पकड़ देखो होता है, जहां तहां साथ में सब सुंदर साथ को बात बड़ी जाहिर, बात जाहिर हो गई कि अब धाम के धनी हमारे बिहारी जी महाराज हैं, चर्चा श्री धाम की और परम धाम की चर्चा करे बिहारी जी बाहर, करें बिहारी जी कहां से लाएं चर्चा। बस एक बात, सुबह शाम जो सतगुरु देवचंद जी महाराज दोनों वक्त सुंदर साथ को स्वरूप बताते थे, राजी महाराज का स्वरूप सुंदर संकोल सुकोमल रू देख नैना खोल नूर जमा, ए बिहारी जी अंदर बाहर निकलते, वैसे बिहारी जी महाराज शिव जी के पुजारी थे, शिव की पंडी लाके उन्होंने घर रखी हुई थी, मित्र थे, क्योंकि देवचंद जी के अंदर राजी महाराज बैठ के वो लड़का लड़की की खोज अब थोड़े ही करेंगे, वो तो सुंदर साथ के लिए सब कुछ करते थे। अब बिहारी जी को गांग जी भाई ने इतने लाड प्यार से पाला कि वो नलायक हो गए, कभी भी बैठ के सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के चरणों में उन्होंने ना चर्चा सुनी ना कभी तारतम लिया। अब बाहर चले जाते, अब उसके बाद गद्दी पर बैठ गए, और गद्दी पर बैठ के चर्चा करें बिहारी जी, एक चुपाई पढ़ रहे, क्या देखो सुंदर सा जी स्वरूप सुंदर संकोल सुकोमर रू देख नैना खोल नूर जमाल, नैना खोल करके देखो, अपने ही तो अर्थ करेगा, नूर जमाल अक्षाती तुम्हारे सामने है, समझे साक्षात दर्शन करो और माया कमा के लाओ, माया देखने के लिए तुम्हें मैं लाया हूं, तुमने कहा था माया देखनी है, देखो खूब पैसा कमाओ और लाके मेरी सेवा करो। अक्षातीत है, पहली चुपाई का अर्थ बता रहे, और उसके बाद कहने लगे देखो ध्यान के साथ सुनो, जब रावण सीता को ले गया था, नहीं समझाई तो और कहां से चर्चा सुना,
बताओ ना कहां से चर्चा सुना में, कभी रामायण की कभी भागवत की कभी कुछ जो ठोका ठोकी का याद था वो स्वामी जी करते हैं, करें बिहारी जी चर्चा बार अनाप शनाप गप्पे सप्पे सुना में कहां से परम धाम की चर्चा को लाते, ये धनी की मेहर होती है। चलिए ज्यादा किया दिन कहो, अब ज्यादा फैलाओ किसने किया, अब सुंदर सा लगा दुखियों ने। अब वो कहते हैं महाराज ठाकुर अगर आप तो सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में रहे हो इससे तो यही अच्छा है कि तुम ही कुछ चर्चा सुनो। तब उन्होंने कहा मुझे चर्चा सुना के क्या परम धाम से निकलूंगा, उसी वक्त इसको पता लग गया ना कि मैं चर्चा सुनाता हूं तो मुझे धनु से ही बाहर निकाल के रख देगा। कहने लगे महाराज हम पता नहीं लगने देंगे, हमारी आत्मा तड़पती है परम धाम की ज्ञान चर्चा के लिए, आप इसकी सेवा सुवा करके ना एकांत में उस भाई के घर हम इकट्ठे हो जाया करेंगे, वहीं पर जो है चर्चा सुनाया करना। अच्छा अब मेरा ठाकुर वहां चले जाते हैं, ज्यादा किया दीन को चर्चा सुना सुना के औरों ने भी तारतम लेना शुरू कर दिया। अय्या ने इष्टाम, एक कुरान का प्रसंग आता है कि अय्या पैगंबर हुए, अब मोहम्मद साहब के बाद वही जो है वो काम करते हैं। बहुत लंबे प्रसंग है, अपने प्रसंग को चलो क्योंकि थोड़े दिन है, चर्चा का विषय पूरा करना है। चर्चा की चर्चा करें, चर्चा की कौन सी चर्चा, जो सतगुरुदेव चंद जी के मुखारविंद से सुनी होती है, अब वही करना क्या मुश्किल था, अंदर श्यामा जी बैठे हुए, तो अभी शुरुआत में धीरे धीरे वही चर्चा करते हैं जो देवचंद जी करते थे। करे एकांत एक ठोर, एकांत में करते थे एक ठोर एक छुप करके ताकि बिहारी जी को पता ना चले। दाम धनी साथ बिना, और उनकी चर्चा में राजी सुंदर साथ ब्रिज रास इसके बिना कोई शब्द ही नहीं होता था, ना दिखावे और कोई बात ही नहीं करते थे। सुंदर साथ किस तरह राजी से एक संबंध रखना चाहिए, वही चर्चा वही प्रेम की बातें। हम तो है धाम में, और क्या कहा, हम परम धाम से आए हैं, मूलतन परम धाम में बैठे हैं, ये खेल नहीं रंचक, खेल क्षण विंगर है, देखने के लिए आए हैं हम सैरक से नजीक है, और हम राज्य के चरणों में बैठे बैठे आगे हक, और राज्य के चरणों में बैठे। जिस तरह से ये सांस वाली नाली कितनी मौत के निकट होती है, इस पर हाथ रखो मौत आ जाता है, इसी तरह से हम राज्य से क्षण भी जुदा हो सकते नहीं है। सेवा करो संयन की, और इस वास्ते अब ध्यान देना, चर्चा करते करते दिल में बात आई भाई ये मैं जो चर्चा सुना रहा हूं तो मैं क्या सेवा कर रहा हूं, नहीं समझा भाई, चर्चा तो अंदर बैठ के राजी और उनकी मेल से हो रही है, तो मैं सुंदर साथ की क्या सेवा कर रहा हूं, परम धाम में जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए। या मनोरथ उपजत है, ये मन के अंदर चाहना बार बार पैदा होती है मेरा ठाकुर के, कौन बात कीजिए इस तरह से मैं करूं, इनो की सेवा ही तो सुंदर साथ की सेवा किस तरह से करें, तो यहां सेवा करनी है तो संसार के पैसे से ही तो सेवा हो जाएगी। तो दिल में बात लिया, इतने में क्या होता है कि जामनगर में दीवानगिरी की फिर सीट खाली हो जाती, तब गए बिहारी जी के पास, हे राम के धनी अगर आप आशीर्वाद दे देना तो दीवानगिरी खाली हुई है, मैं सारा दिन खाली रहता हूं, चट्टा का तो सेवा तो आपकी सुबह ही करता हूं, उसके बाद 5 बजे तक दफ्तर होता है, पैसा कमाऊंगा और ला करके आपकी सेवा करूं। फिर शाबाश, देखा ऐसे काम किया करो, जाओ अक्षातीत राज्य महाराज का आशीर्वाद है, जलते ही पोस्ट मिल जाएंगे। अब उनके आशीर्वाद से क्या पोस्ट मिली थी, इतनी योग्यता थी सब दुनिया जानती थी महाराज ठाकुर की कलम को अकाउंट के बारे में, और व्यवहार में कोई रोक नहीं सकता, जाते ही वो नौकरी मिल गई। अब इधर क्या होता है, सुबह उठे पहले बिहारी जी को नहलाएं धुलाएं गद्दी पर बैठाएं सब कुछ करें, और उसके बाद सुंदर साथ को चर्चा सुनाएं और फिर दरबार में जाएं। तो एक दिन क्या होता है, एक धारा भाई नाम का सुंदर साथ था,
जामनगर में ही रहता था, खेती वो धाराभाई दूसरा है जो खंबालिया रहता था, खेती का काम करता था। गांव पक गया, काटने के दिन आ गए, तो उसने जाके बिहारी जी से कहा, हे धामधनी, मेरा गांव पक गया है तो मैं एक समय चर्चा सुनने रात्रि को आ सकूंगा, और सुबह जल्दी गेहूं काटना होता है तो मैं सुबह आ नहीं सकूंगा। ए हजूरी, धक्के मार के बाहर निकाल दो, आज इसको परम धाम से निकाल दो। इसने इतने परम धाम की चर्चा आसान समझ रखी है कि गांव के बदले में चर्चा सुनने नहीं आएगा, चला निकाल दो परम धाम, चल बाहर। निकाल दिया गया। अब शुरू शुरू में सुंदर साहब जी वाणी थी नहीं, क्या करते, सब सुंदर साथी यही समझते थे कि यही हमारे धाम के धनी, इसलिए वो बेचारा बाहर किवाड़ पर जो मुख्य द्वार था वहां बैठ गया और रो रहा है। सब सुंदर साथे अर्ज विनती करता, रे भावा मेरे से भूल हो गई, मैं गांव नहीं काटूंगा या घर वाले काटेंगे, किसी तरह से मुझे माफी दिलाओ। कौन माफी दिला, जो सिफारिश करता था उसको भी निकाल देते थे, चल तू भी चल। तो उसका ठेकेदार आया, तू भी चल बाहर। अब जिसको कह दिया चल बाहर, फिर अंदर कौन लावे, जो सिफारिश करे वो भी बाहर। तो ये हालत धाम के धनी बिहारी जी महाराज की थी, व्यवहार था। अब उसमें प्रण कर लिया कि जब तक मुझे चनामत प्रसाद मंदिर से नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 10-12 दिन 14 दिन हो गए सुंदर साथ जी, किसी ने देखा नहीं। अब फूल भाई जो मेरा ठाकुर जी की पहली पत्नी स्वामी जी की थी, उसने देखा, ये तो मर जाएगा, तो हम परम धाम में जाके क्या शक्ल दिखाएंगे। सोच लिया कि चनामत प्रसाद मैंने ला के दिया और घर ले गई तो मुझे सुंदर साहब से निकाल दिया जाएगा, क्या लगे कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने सुंदर साहब को मरता नहीं दे सकती। मंदिर में गई, चनामत प्रसाद लाया, उसको दे दिया, घर ले जाके दूध और हल्का साबूदाना वगैरह जो 14 दिन के बाद हजम हो सके वो दिया, और ठीक ठीक धीरे धीरे होने लग गया। अब ये बात हजूरी ने बिहारी जी को जाके कह दी, धाम के धनी महाराज इतना जुल्म हो गया, अत्याचार हो, और आग लगाते हैं जो हजूरी होते हैं ना, वो उनसे भी पूछो मत क्या होते हैं। तो जाके भड़का दिया, कहने लगे अच्छा, महाराज ठाकुर शाम को 4 बजे आएगा, उसको भी बाहर खड़े कर देना कि आपको भी निकाल दिया। अब महाराज ठाकुर शाम को 4 बजे रोज आते थे दरबार से, बैठ गए और माया में ने बैठ के लहा लेने। अब ये कि अगर माया का लहा लेना है तो कमा करके सुंदर साथ की सेवा करनी है, अभी वो पैसा इकट्ठा करेंगे ना भाई, हाँ तो चलाओ ना, धाम में जागे पीछे या परम धाम में जागेंगे, ये ना होवे कब, ये सेवा नहीं मिलेगी। राजी तो मिलेंगे, श्यामा जी तो मिलेंगी, सुंदर साथ तो मिलेगा, लेकिन सुंदर साथ की सेवा ये नहीं, और वही हमारे समझ में आती नहीं है। इस वास्ते इस बात की, इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, लूट करनी चाहिए, इनके प्रीत कीजिए। बाबा वो तो नौकरी पे लगा दिया, सब काम कर दिया, तुम पीछे घूम रहे हो भी, नौकरी पे लगनी इस साथ की आजमाइश। स्वामी जी कह रहे हैं यही आजमाइश सुंदर साथ की राज्य महाराज दुनिया में ले रहे हैं कि कमा कमा के बच्चों के बोरे भरते हैं, या सुंदर साथ की भी सेवा नजर किसी को आती है। करत हक सुबाना, ये राज्य महाराज देख रहे हैं कि मांगना होता तो मेरे से कहते हैं, राज्य महाराज आ कृपा कर रहे, आप ही दे, और जब आप ही दीदा तो फिर बच्चों को दे ही दीदा, सुंदर जात की सेवा कुछ नहीं। राजी देख रहे हैं, मोमिन की माया मिने, मोमिनों की माया मिने होत है पहचान, यही पहचान होती कि हर वक्त बच्चे की चिंता, इनको ये करना है, इनको ये करना है, इनको यही चिंता है
के अपने धनी और सुंदर साथ की सेवा के भी कुछ चिंता है। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, सेवा करने लगे, रखा अपने पास ही। आप ध्यान देना, वो तो बीच में हो जाता है ना। अब क्या होता है, वो प्रसंग हो गया उसका। यहाँ गुजराती में पत्री है, होता है शाम को 5 बजे में राय ठाकुर आएंगे और उनको रोक दिया जाता है। तब पूछते हैं, क्यों भाई मेरा क्या दोष है, मैं तो 10 बजे धामधनी से आशीर्वाद मिलके गया था दफ्तर में, तो अब क्या हो गया। तो उन्हें जाके कह दो कि मैं राय ठाकुर कहते हैं एक बात मेरे से दो बातें कर लें, उसके बाद जो मुझे निकालेंगे मैं निकल जाऊंगा। तो अंदर बुलाया, गए तो सारी बात कही। उन्होंने कहा जी मेरा क्या दोष है, अगर दोष है तो फूल भाई का है, तो मुझे किस लिए निकाला जाता है। तो कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, तो या सुंदर साहब को छोड़ दो या फूल भाई को छोड़ दो। सुंदर साहब जी सुन रहे हैं, करना बहुत भारी वो है आत्म जीतने वाली, जो माया को जीत के परम धाम के अंदर सरदार बन के बैठेगी। हम माया के गुलाम हैं, माया के पुतलों के गुलाम हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा फूल भाई छोड़ी, आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, पर मैं सुंदर साथ को छोड़ नहीं सकता, छोड़ दिया। अब फूल भाई इतना खुश होती है और चिट्ठी लिखती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपके इस निर्णय पर बहुत खुश हूं। मुझे ये डर था कहीं मेरे मोह में आके आप सुंदर साथ को ना छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत शीघ्र अपने शरीर को छोड़ दूंगी। अगर तुम्हारे बिहारी जी महाराज इजाजत दें तो अर्थी के साथ आ जाना, नहीं तो ना मैं तो शरीर ही छोड़ दूंगी। और संसारिक रीति से चौथे वाले दिन जब फूल हड्डियां चुनते हैं, वो ना चुनना, अपना पग सिर्फ रख देना ताकि मेरी मिट्टी पवित्र हो जाए। और उसके बाद ये मेरी पत्री को याद रखना, मैं कहीं ना कहीं और अति सुंदर तन धारण करके आपकी पत्नी बन के आपके चरणों में रहूंगी, आप चिंता मत करना। वो फिर आगे बताऊंगा जब जूनागढ़ जाते हैं। अब इधर एक ही लगन है कि सेवा करनी। अब क्या करने लगे कि सुंदर साथ के लिए वस्त्रों के लिए गांठे की गांठे कपड़े की, अपने पास एक सुंदर साथ को नौकर रख लिया कांजे भाई को, कि भाई देख तू ऐसा ऐसा सामान घर में दाल है घी है 150 टीन घी ले आ, शक्कर की बोरियां भर दे, दाल भर दे, आटा भर दे, और सब सुंदर साथ के लिए बहनों के लिए बहनों जैसी साड़ी कपड़े की गांठे ला, जितना सामान रोज लाए जिस सेठ से लाए मुझे बताते जाना, मैं हाथ की हाथ ही हिसाब चुकता करता जाऊंगा। अब ये सब होता गया और क्या कह दिया, बिहारी जी अपने धाम के धनी हैं, उनके लिए बाजार में थी सुंदर से सुंदर जो वस्त्र हो वो लाना, और उनके साथ साथ उनका साला है ना नाग जी, उनको हथियार रखने के बहुत शौक है, वो हथियार की खोली के ऊपर सोने के कीला लगवा देना तो हजूरी खुश तो महाराज खुश, तो बस फिर अपना काम ठीक रहेगा। अब सारा सामान ला ला के मेरा ठाकुर जी के रूम खाली पड़े थे उसमें भरते चले गए। और उसके बाद बिहारी जी महाराज के लिए कपड़ा बाजार में पसंद नहीं आया, तो कांजी भाई के दिमाग में आया मैं राय ठाकुर के पास जाता हूं, कहता हूं कि जो कपड़ा राजा का पड़ा है वो तुमने तो अपने नाम ही पैसा लिखना है, वो ही दे दो, उसी का बिहारी जी का मैं पोशाक श्रृंगार बनाता हूं, तुम पैसा लिख देना और मंगा लेना। मेरा ठाकुर तो भाव भीने बहे हुए थे, उन्होंने ऐसा ही किया। अब कांजी भाई से रहा ना गया, वो लेके कपड़ा सीधा बिहारी जी के पास चले गए। कहने लगे बिहारी जी महाराज इसका आपका श्रृंगार बनाना है, पसंद है ना। कहने क्या बात है, कहने लगे आपको नहीं खबर है मेरा ठाकुर घर में घी खांड दाल शक्कर सब और सब बहनों भाइयों के लिए वस्त्र भूषण सब बना के रखे, वो बहुत बड़ा भंडारा करना चाहते हैं।
इसका मतलब है वो मेरी गादी लेगा और वो अपने को बड़ा बनना चाहता। अच्छा ठीक है, जाओ पोशाक में पसंद है दे दिया। हजूरी को बुलाया, हजूरी महाराज ये गादी गई, कहां से खाएगा? वो कहने लगे जीजा जी छोटी छोटी बात पर गादी गई कह देते हो, बात क्या है? कहने लगे ये बात है, कहने लगे अभी मैं जेल में बंद करवा देता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है? राजा कान के कच्चे होते थे, एप्लीकेशन लिखवा दी कि राजा साहब बंगू बन के बैठे हुए हो, तुम्हारा सारा खजाना लूट के मेराई ठाकुर ने अपने घर डाल दिया, अकेला आदमी ना पत्नी ना बच्चे, उनसे पूछा जाए 203 घी के किस लिए डिब्बे भर रखे? अरे बाबा किलो दो किलो तो हो तो बात हो, 200 डिब्बा भर के रखा है और शक्कर चीनी 100 बोरी रखी है और जो भी सामान है बोरियों से कम कोई रखा नहीं है, खजाना खाली हो जाएगा। बस वो एप्लीकेशन गई और बादशाह कान के कच्चे पहले देख लेता या समझ लेता, बस मिलिट्री को भेज दिया, पुलिस को जा करके छापा मरवाया, सामान सारा रखा था उठा करके जेल में पुरवा दिया, सामालई सरकार में, और सब सामाना जो है सामान जो था जब्त कर लिया। हुआ जोरा इन ऊपर, ये जोरा हुआ इस तरह से, संवत 1714 संवत 1714 चतुर्दशे को भाई कुतुब खान की मुहिम। अब उधर क्या होता है, कार्यकारण बनना है तो ये सारा कुछ होता है ना। ये जैसे ही हफ्से की जेल में गए, उधर कुतुब खान को 3 साल का टैक्स मिला नहीं, अब उसने मुहिम कर दी, हमला कर दिया आके राजा के ऊपर। जाम वजीर गए 3 पर, जाम साहब ने कहा जी घबराने की जरूरत नहीं, चलिए मैं टैक्स चुकाने के लिए आ रहा हूं। वो तो जाम साहब वजीर को साथ लेकर के अहमदाबाद टैक्स चुकाने चले गए। खड़बड़ पड़ी इनको, अब इधर खड़बड़ी मच गई। बैठे प्रबोधपुरी मिने, प्रबोधपुरी जिसको कुरान में हफ्सा लिखा है, और क्या लिखा है, अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे तो हफ्से की जेल में जाएंगे, वहां मिश्री की ईंटें गिरेगी, जो उन ईंटों को खा लेगा वही अरशे अजीम चला जाए। अब वो काजी लोग इंतजार में, जिस दिन मिश्री के भेले गिरेंगे उस दिन अल्लाह ताला आए। सुंदर सेठ जी कितने प्यार से राज्य महाराज ने हमको वाणी की सारे राज खोल खोल के बता दिए, और जिनका कुरान है वो जानते भी नहीं। जाए हफ्सा लिखी इतर, जिसको हफ्सा करके कुरान में लिखा है, तहां विचार करने लगे। अब जेल में बैठ गए तो घर में 3 ही भाई थे, बड़ा भाई तो वो चला गया, और ध्यान दो गोवर्धन ठाकुर धाम चल गया। अब 3 भाई रह गए, सांवलिया ठाकुर, मैराय ठाकुर और उदो ठाकुर, तीनों को हफ्से में बंद कर दिया गया। इस्लाम काम प्रतीत, अब विचार करने लगे, जिनकी आत्मा हुई तो दुखी होंगे रूम, अब वहां रोना शुरू किया कि राज्य महाराज मुझे हफ्से में आने का कोई दुख नहीं, इतना बता दो मैंने पाप क्या किया है। हे धनी तुम तो जानते हो ना कि मैंने जो कुछ किया है सुंदर साहब की सेवा के लिए किया है, तो क्या सुंदर साहब की सेवा करनी भी दुखी? हे धनी मैं कुछ नहीं चाहती, 2 मीठी मीठी बातें करने के लिए आप यहां आ जाओ, क्योंकि मैं जेल से तब किसी जगह जाके तुम्हें बुला नहीं सकती। सुंदर साहब जी महीना 2 महीने तो थोड़ा बहुत खाते भी रहे, जब कुछ राज्य ने नहीं सुना खाना पीना भी बंद कर दिया। अब खाना पीना बंद किया तो आत्म तो कुछ असर होता नहीं, शरीर ही सूखना शुरू होता है। 6 महीने जब बीत गए, दर्द जर्द गर्द रद देहा रद बिल्कुल मिट्टी का ढेर हो गया, और करवट भी लेते हैं तो हूक हूक सांस ले, सांस लेने की भी शक्ति नहीं है, चीख चीख के सांस लेते हैं, फिर भी राज्य महाराज ने सुनी नहीं। बहुत अर्ज विनती की और ये भी कहा कि राज्य महाराज ये मुझे पता है कि तुम इस शरीर से मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, और परम धाम तो हर वक्त, परम धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो
संसार। संसार में ही मिलन कठिन है, परम धाम में तो मिलन होता ही है। और मुझे पता है मेरा सांस निकलेगा तो आप मुझे दर्शन भी अवश्य देंगे। करते करते जब 6 महीने व्यतीत हो गए तो अब जब हिम्मत ही नहीं थी, खाली सांस की ये सैरक की नाली चल रही है, सांस आ रहा है, तब जैसे तैसे हाथ उठाया। शरीर में तो जान ताकत होती तो शायद झटका से भी जाते, ऐसे ही कर दिया, करते ही सांस निकल गया। जब सांस भी छोड़ो संग, जैसे ही आत्म बाहर निकली तो सामने युगल। अब चक्कर क्या हो गया कि आज दिन तक राज्य और श्यामा जी के युगल स्वरूप ने कभी दर्शन दिए ही नहीं थे। देवचंद जी के तन से कृष्ण की लीला करते रहे तो चुप हो गए, देख के सुन मुन खड़े तो आपो पो उलखारी करे। खुद राज्य में राय ने प्रश्न किया, इंद्रावती ओ मेरा ठाकुर, क्या बात है, मेरे को पहचाना नहीं है? मैं ही तो देवचंद जी के तन में तुम्हारे लिए बैठकर लीला कर रहा था, हा? और साथ कौन है? राधिका नहीं, साथ कौन है? श्यामा में रानी। अपने मुख से पहचान कराई कि हम युगल स्वरूप परम धाम में अक्षातीत के स्वरूप हैं, हम ही ब्रजरास में आए थे और हम ही परम धाम तुम्हें लेके गए थे, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी हुई थी, ये खेल फिर तुम्हें आ रहे कारण बना। सारी पहचान खुद करा दी तो अब क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए देवचंद जी के तन में आए थे पर तुमने मेरी पहचान नहीं की, सतगुरु सतगुरु ही तुम कहते रह गए, तुम्हारे कारण में आया था और अब तुम्हारे इसी तन में दोबारा तुम्हें बिठाऊंगा और हम इसके अंदर आके सारा काम जो देवचंद जी के समय में बताया था शाकुंडल और शाकुमार को, वेदों के ग्रंथों के सब भेद और कुरान की सारी बातें और आत्माओं के लिए परम धाम की वाणी वो तेरे ही तन में बैठकर उतरेगी। अब इंद्रावती क्या कहते हैं, राज्य महाराज इतनी बड़ी सजा ना दो, मेरे तन में ना बैठो। बहुत गहरी बातें हैं सुंदर साहब जी, क्यों ऐसा कहा कि राज्य महाराज जब मेरे आप अंदर बैठोगे और परम धाम की वाणी जाहिर करोगे तो सब सुंदर साथ समझ जाएगा यही अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म राज्य महाराज हैं और वो मेरी सेवा करें। तो जब परम धाम में उठेंगे यहां तो तुम मुझे अक्षातीत भी बना दोगे, मोर नाम सब कुछ भी कर दोगे, लेकिन परम धाम में जब उठेंगे तो मेरा 12,000 में मुख नीचा होगा। क्यों? सुंदर साहब पहचान के सेवा करेंगे और मैं देवचंद जी के तन में जब मेरे लिए आए थे तो मैं कर ना सकी पहचान, इसलिए मेरी हांसी होगी, एक चांस और दे दो। कहना कि नहीं, अगर एक एक आत्म को इस तरह से समय देने लगे फिर तो हो गई जागनी, बस फिर मजबूर हो गए। तो जीव को फिर दोबारा अंदर बिठाया, सुबह भी चुपाई बताई थी, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या, जीव बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पियो। तब अपना काम करना था उस तन से, कुरान में पहले से लिखवा रखा था, बस आके अंदर बैठ गए। और अब ये जो हवे पहला मोजलनी बात है, ये नहीं पहले विकरण उतरे, ये दीप अंदर में उतरे, पहले श्री ठाकुरानी जी का रास वाला श्रृंगार, अखंड स्वरूप ने अस्थिर शरीर वर्णन क्यों न जाए, ये पहली छुपाई से श्रृंगार उतरा, फिर राज्य का श्रृंगार उतरा, फिर सुंदर सात का श्रृंगार उतरा, फिर रास की रामतें जो हुई थी वह उतरी और सारी रास की किताब पूरी होती है। अब जिस समय रास की रामतें होती, जिस समय आवेश आता है तो उसी रूप से ही लीला करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, यमुना तट का सारा लीला। अब ध्यान दो तो उधर रानियां, राजा तो गया हुआ है,
और रानियां जो है आवाज को सुन करके नीचे आती हैं, कह रहे इतने सुंदर निरत और ये लीला कौन कर रहा है। तो दरवाजे भले बंद थे लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा दिखता था।